Hey foodies, welcome back to my channel. आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं चिकन तंदूरी। आप यहाँ पे चिकन तंदूरी देखिए, इसका कलर, इसका टेक्सचर लग रहा है ना बिल्कुल कि हम ये मार्केट से लेकर आए हैं जो बारबेक्यू पे भुनी जाती है, बिल्कुल वैसी ही तंदूरी, या मैं कहूँगी उससे ज्यादा डिलीशियस तंदूरी आप घर में बड़ी आसानी से तवे पे या तो फिर पैन में, कढ़ाई में बना सकते हो। बिल्कुल वही फ्लेवर, वैसा ही टेस्ट, वैसा ही कलर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि इतनी यूनिक सी जो रेसिपी है बनानी किस तरीके से है। ना आपको इसके लिए माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको यहाँ पे कोई बारबेक्यू चाहिए इसे बनाने के लिए। आप यहाँ पे बिना इसके भी चिकन तंदूरी बना सकते हो। तो यहाँ पे ना चिकन तंदूरी बनाने के लिए मैंने दो बड़े वाले लेग पीस लिए हैं, आप देख सकते हो। इसे बहुत डीप मैंने यहाँ पे कट लगाया है ताकि मसाला ना अच्छे से अंदर तक के चला जाए और हमारा जो चिकन है ना खाने में बहुत टेस्टी लगे। ये जो चिकन के पीसेस पे मैंने कट्स लगाए ना, वो घर पे लाने के बाद लगाए हैं जैसे मुझे चाहिए थे। तो चिकन को हमने मैरिनेट करना है, जिसके लिए लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, साथ ही ले लेंगे जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून, और मैं यहाँ पे गर्म मसाला पाउडर यूज कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और ना यहाँ पे मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो है उसका भी इस्तेमाल करूँ ताकि एक अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। उसके बाद लिया है मैंने धनिया पाउडर और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, साथ ही में ले लेंगे नमक इसमें डालने के लिए। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही, यहाँ पे मैं 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे दही जो है और मेरा घर का बना हुआ दही है जिसको हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे फेंट लेना है। अब एक बाउल ले लेंगे जिसमें हमने सारे ही पाउडर मसाले और अदरक लहसुन को ऐड करना है, जो हमने कस्तूरी मेथी, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही में हमने जो गर्म मसाला पाउडर, जीरा पाउडर वगैरह लिया था वो डाल देंगे। और इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देंगे दही। दही डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी ऑयल, तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर सरसों का तेल लोगे तो और ज़्यादा फ्लेवरफुल रहेगा ये। उसके बाद थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर देंगे जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप मार्केट जैसा ही कलर चाहते हो, बिल्कुल वैसा ही दिखना अगर चाहते हो, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर जो है वो ऐड करना है। अब मैंने ना यहाँ पे इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथों से मिक्स कर लिया है। इस तरीके का एक दही का बैटर जो है बनकर के तैयार हो चुका है। इसमें अब हम यहाँ पे चिकन के पीस जो है वो ले लेंगे और सारा ही मसाला चिकन के पीस पे अच्छी तरीके से रब कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे नींबू इसमें नहीं डाला है क्योंकि मेरा जो दही है घर का बना हुआ है हल्का सा खट्टा है, तो अगर आपका जो दही है ना वो थोड़ा खट्टा है तो आप यहाँ पे नींबू स्किप कीजिए, वरना आप यहाँ पे आधा नींबू का रस जो है डाल सकते हो। ये देखिए मैं किस तरीके से सारे जो कट्स मैंने लगाए थे ना उसमें मसाला अच्छी तरीके से फिल कर रही हूँ ताकि ये बहुत जूसी और बहुत टेस्टी लगे खाने में। घर पे भी बना रहे हो ना तो कुछ ट्रिक्स अगर आप इस्तेमाल करोगे ना तो आपका जो चिकन तंदूरी है बिल्कुल मार्केट जैसा बन करके तैयार हो जाएगा। तो जितने भी मैंने यहाँ पर डीप कट्स लगाए ना उनमें मैं मसाला अच्छी तरीके से फिल कर दूंगी, और यहाँ पे दूसरे चिकन के पीसेस को भी मैंने अच्छे से मसाला लगा करके यहाँ पे रख दिया है। आपने जो दही लेना है बहुत भी ज़्यादा एकदम खट्टा नहीं लेना, वरना ये आपकी जो डिश है ना बिगाड़ सकता है। अब हम यहाँ पे इसे 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि हमारा जो चिकन है अच्छे से मैरिनेट हो जाए। 30 मिनट बाद आपने यहाँ पे इस तरीके से एक कटोरी ले लेनी है और यहाँ पे जलता हुआ कोयला जो है आपने यहाँ पे लेना है। कोयला अच्छे से जब इस तरीके से लाल हो जाए ना तब आपने यहाँ पे इसे कटोरी में रखना है ताकि अच्छा सा चारकोल फ्लेवर हमें यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, आप ये चाहो तो देसी घी भी इसमें यहाँ पे डाल सकते हो। और जैसे ही हम ये डालेंगे ढक देंगे इसे, और ढक करके कम से कम 15 मिनट तक के ना आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि सारा जो हमारा चारकोल फ्लेवर जो है ना चिकन में अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ढक्कन हटाया, आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। मैं अब यहाँ पे इसे निकाल दूंगी इस कटोरी को, और उसके बाद हम यहाँ पे इसे ढक करके कम से कम 10 मिनट तक के रेस्ट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे आपने चारकोल जो लिया था ना, मैं यहाँ पे इस साइज का छोटा सा चारकोल यूज कर रही हूँ। अगर आप जो चिकन बना रहे हो वो अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो आप चारकोल जो है थोड़ा सा ज्यादा यूज कर सकते हो। तो 10 मिनट बाद यहाँ पे मैं पैन का ढक्कन हटा दूंगी, हमारा जो चिकन है बहुत अच्छी तरीके से जो है मैरिनेट होकर के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो नीचे मसाला है ना उसको हमने यहाँ पे चिकन पे अच्छे तरीके से दोबारा से लगा देना है और अच्छे से यहाँ पे इसे रब करना है ताकि जो हमारा चिकन है उस पर मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लेनी है एक कढ़ाई जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दिया था, उसमें हम चिकन के पीसेस को अच्छी तरीके से एडजस्ट करके रख देंगे क्योंकि ये चिकन के पीसेस जो है ना थोड़े बड़े साइज के हैं, तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके यहाँ पे रखना होगा।
और जो बैटर यहाँ पे बच गया है ना, उसको आपने वेस्ट नहीं करना है, आप उसे भी यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन अगर आप इस स्टेज पर डालोगे ना तो वो जल जाता है, तो आप थोड़ा सा बाद में इसमें ऐड कर सकते हो। अब गैस की फ्लेम को आपने लो रखना है और सारी ही स्टीम इसमें जो बन रही है ना, उसकी वजह से चिकन अच्छी तरीके से आपका गल जाएगा। तो इसके लिए आपने यहाँ पे लो फ्लेम पे ढक करके इसे कम से कम 10 मिनट तक के ऐसे ही छोड़ देना है पकने के लिए। चिकन अपना पानी रिलीज करेगा इस तरीके से, और इसी में हम यहाँ पे चिकन को अच्छी तरीके से पकाएंगे, जिसकी वजह से सारे फ्लेवर्स चिकन अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ ना जब 10 मिनट हो चुके थे, मैं यहाँ पे इसकी साइड जो है चेंज कर रही हूँ, ताकि नीचे वाली साइड भी इसकी अच्छे से यहाँ पे पक जाए। तो अब हम यहाँ पे ऐसे दोबारा से ढक देंगे और ढक करके कम से कम और 5 से 6 मिनट तक के कुक कर लेंगे। चिकन के पीसेस में हमने बहुत डीप कट लगाए हैं, जिसके वजह से ना जल्दी से ये कुक हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सारी ही प्रोसेस में। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे वाली साइड जो है, जब हमने यहाँ पे इसे रखा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी इसने जो है अच्छे से रिलीज कर दिया है। अब ना इस स्टेज पे आप चेक करोगे ना, तो चिकन का जो पीसेस है काफ़ी अच्छे से गल चुका है, यहाँ पे हड्डी ये छोड़ने लगा है। तो अब यहाँ पे जो बैटर बच गया है ना, वो बैटर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब मैंने दही जो लिया था थोड़ा सा पतला लिया था, क्योंकि ये ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी मैं साइड में एंड में निकाल दूंगी। मुझे एक्चुअली ये ग्रेवी जीरा राइस के साथ बहुत पसंद है। आप चाहो तो थोड़ा सा थिक दही जो है ले सकते हो, चाहो तो हैंग कर्ड भी ले सकते हो। तो यहाँ पे सारा बैटर जो है डालने के बाद में चिकन के पीसेस को थोड़ा ऐसा इस तरीके से उठा लेंगे, ताकि जो चिकन में अच्छे से सारा जो मसाला है वो चला जाए। और फिर हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई करके हाई फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे, ताकि सारा जो पानी है ना ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से, और सभी फ्लेवर्स जो है वो चिकन में अच्छे से आ जाए। अब आप चाहो तो ढक करके पका सकते हो, या तो फिर आप ऐसे भी पका सकते हो। लेकिन चिकन आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे चिकन जो है पक चुका है। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे ऐसे ही फटाफट से पका लूंगी, और थोड़ी सी ग्रेवी जो मैंने बताई थी वो मैं साइड में निकाल दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो पैन है उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डालने के बाद में चिकन के पीसेस को यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है। अब जो बैटर हमने डाला था ना, अगर आप उसे और नहीं निकालोगे इस स्टेज पे, या तो फिर अगर ये चिकन पूरा नहीं लेगा ना, तो ये जल सकता है। इस वजह से यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे अलट पलट करके ना दोनों साइड से चिकन पे अच्छी तरीके से ग्रिल मार कर जाए, इस तरीके से हम यहाँ पे इसे फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो चिकन अच्छी तरीके से गल चुका है, यानी कि हड्डी जो है ये छोड़ रहा है। अब दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हम निकालेंगे, लेकिन ये काफ़ी गल चुका है, ये देखिए आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक स्पून या तो फिर इस तरीके से यहाँ पे उलकनी ले लूँगी, जिसके वजह से हम यहाँ पे इसकी हेल्प से हम इसे निकाल देंगे, और इसे पलट करके हम दोनों भी साइड को जो है अच्छी तरीके से होने देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि यहाँ पे चारकोल का फ्लेवर हमने दे दिया, यहाँ पे एक फ्राई वाला एक अच्छा सा फ्लेवर चिकन में आ जाता है। और बाद में हम यहाँ पे ना गैस पे इसे भूनेंगे, तो बिल्कुल मार्केट जैसा यहाँ पे ये टेस्ट आता है, या तो मैं कहूँगी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये लगता है खाने में। तो इस तरीके से ना आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जब चिकन अच्छे तरीके से हो जाएगा ना, मैं यहाँ पे चिकन के पीसेस को इस तरीके से यहाँ पे निकाल लूँगी। देखिए यहाँ पे किस तरीके से बहुत अच्छे से फ्लेवर आ गया है। और दोबारा से मैं यहाँ पे एक कटोरी बीच में लगा दूंगी, और इसमें यहाँ पे रख दूंगी चारकोल। मैंने चारकोल जो है पहले ही जलाने के लिए रख दिया था। जब चारकोल अच्छे तरीके से जल जाए, उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल। अब ये डबल से हमने इसलिए करना है, ताकि जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था तब हमने फ्लेवर दिया, अब जब चिकन पक चुका है ना, ऊपर भी हमने अच्छे से यहाँ पे फ्लेवर देना है। तो यहाँ पे दूसरी बार जब हम करेंगे ना, तो बस 5 मिनट के लिए ही आपने इसे रखना है, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप इसे नहीं रखोगे। 5 मिनट बाद आपने यहाँ पर ढक्कन हटा देना है, और यहाँ पे जो कटोरी हमने रखी थी उसको हम निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल ये चिकन बन करके तैयार हो जाता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी जो डिश है ना किस तरीके से बनी थी। तो अब ना यहाँ पे मैंने एक जाली ली थी, आप पापड़ सेकने वाली जाली ले सकते हो, या तो आपके पास अगर कुछ भी है घर में अवेलेबल इस तरीके का कि बस चिकन जो है नीचे ना जाए, तो उस तरीके से ले लेंगे। और यहाँ पे गैस पे ना हम यहाँ पे चिकन के पीसेस को डायरेक्टली ऐसे रखेंगे, हल्का हल्का सा ऊपर से बटर लगा करके, थोड़ी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर छिड़कते हुए आपने यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। अलट पलट करके भूनेंगे, ताकि अच्छा सा एक चारकोल एक बर्न फ्लेवर यहाँ पे इसमें आ जाए। और हमने यहाँ पे जब इसे अच्छे से भून लिया, उसके बाद मैंने सर्विंग प्लेट में इसे सर्व कर दिया है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया हमारा जो चिकन तंदूरी है दिख रहा है।
बस कुछ स्टेप्स आपने फॉलो करना है जिसकी वजह से बहुत डिलीशियस ये बनकर के तैयार हो जाएगा। वैसे भी पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बाकी चैनल्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हो, मैंने सारी ही जो लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।